नेक्स्ट इसके अंदर आज बात करते हैं डीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी में एमओसी लार्वा जो कि इसके अंदर पेट्रोमाइजोन का लार्वा होता है। तो पेट्रोमाइजोन के लार्वा को इसके अंदर पेट्रोमाइजोन जो एनिमल है साइक्लोस्टोमेटा का उसका लार्वा जो है एमओसी लार्वा कहलाता है। लार्वा का निर्माण इसके अंदर कैसे होता है जैसे आपको बता भी चुके हैं पेट्रोमाइजोन जो है इसके अंदर वह स्पॉनिंग करता है नदियों में जाता है जब मैच्योर हो जाता है परिपक्व हो जाता है रिवर में जाता है उस समय मेल और फीमेल इसके अंदर अपने जो एग होते हैं स्पर्म होते हैं मेल है तो स्पर्म और फीमेल है तो इसके अंदर कह सकते हैं एग या अंडों को इसके अंदर रिवर में इसके अंदर एक स्थान पर जहाँ पर मेल एक घोंसला बनाता है वहाँ पर डिपोजिट करते हैं और उसके बाद में मेल और फीमेल जो है मैच्योर जो एनिमल है या जो पेरेंट्स होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं वहाँ निषेचन पाया जाता है। तो निषेचन की क्रिया जो इसके अंदर पाई जाती है जंतु में निषेचन बाह्य होता है एक्सटर्नल होता है फर्टिलाइजेशन जो है बाह्य होता है स्पर्म और ओवम दोनों बाहर है और फिर इसको इसके अंदर रिलीज किया जाएगा जब इसके अंदर रिलीज किया गया और बाहर इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर से इसके अंदर उनका निषेचन की क्रिया होती है इसके कारण इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद में डेवलपमेंट होता है परिवर्तन परिवर्तन में जैसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि परिवर्तन के अंतर्गत तो इसके अंदर कह सकते हैं डेवलपमेंट जो होगा एनिमल का उसके बाद में लार्वा अवस्था बनती है। डेवलपमेंट या परिवर्तन की बात करें तो जो अंडे इसके अंदर कह सकते हैं एग होते हैं पेट्रोमाइजोन के उनको टीलोलेसिटल एग कहा जाता है टीलोलेसिटल एग या अंडाणु या जिसको कहा जाता है ध्रुव पित्त की अंडाणु। परिवर्तन के दौरान जो क्लीवेज या विदलन होता है वह इसके अंदर होलोब्लास्टिक अनइक्वल ये अंडे किस प्रकार के होते हैं या निषेचन क्रिया है विकलन है या इसका कह सकते हैं गैस्ट्रुलेशन जो क्रिया होती है सेकंड पेपर में इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट है उसमें इसके अंदर इसके बारे में बात करेंगे। तो होलो इसके अंदर प्लास्टिक अनइक्वल या जिसे कहा जाता है पूर्णभंजी और अनइक्वल असमान विकलन जो होता है इसके अंदर पाया जाता है होलो प्लास्टिक होता है लेकिन असमान होता है अनइक्वल होता है जिसमें इसके अंदर पूरा इसके अंदर कह सकते हैं उस जायगोट को डिवाइड नहीं किया जाता इसके कारण इसको असमान कहा जाता है लेकिन बीच में से सेंटर से दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है इसके कारण यह होलोब्लास्टिक कहलाता है। और गैस्ट्रुलेशन जो होता है थर्ड जो अवस्था है जिसको गैस्ट्रुला भवन कहा जाता है वह किस इसके अंदर रिएक्शन के द्वारा होता है जिसको कहा जाता है इनवेजिनेशन इनवेजिनेशन या जिसे कहा जाता है अंतर्वलन जिसके द्वारा एक्टोडर्म एंडोडर्म और मिजोडर्म का निर्माण होता है तो उसमें इसके अंदर कोशिकाएं अंदर की ओर धंसकर एक लेयर का निर्माण करती है अलग अलग लेयर का या इसके अंदर परत का निर्माण करेगी एक्टोडर्म एंडोडर्म या मिजोडर्म का तो वो इसके अंदर कह सकते हैं गैस्ट्रुलेशन की क्रिया इनवेजिनेशन कहलाती है। तो स्पर्म और एग से लेकर निषेचन क्लीवेज ब्लास्टुला गैस्ट्रुला ये सभी क्रिया सेकंड पेपर में इसके अंदर वापस पड़ेंगे लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेट्रोमाइजोन में गैस्ट्रुलेशन की क्रिया कौन सी होती है या विकलन कौन से प्रकार का होता है किस प्रकार का पाया जाता है या एग या अंडे इसके अंदर कह सकते हैं जो पेट्रोमाइजोन के हैं वह इसके अंदर किस प्रकार के होते हैं अलग अलग इसके अंदर जो प्रकार है उसमें से कौन सा प्रकार पेट्रोमाइजोन में पाया जाता है निषेचन इसके अंदर कौन सा इसके अंदर या किस प्रकार का होता है। आगे इसके अंदर बात करते हैं डेवलपमेंट होगा डेवलपमेंट के बाद में इसके अंदर एमओसी लार्वा का निर्माण होता है। तो एनिमल में इसके अंदर निषेचन क्रिया हुई निषेचन के बाद में परिवर्तन जो एग है वह इसके निषेचित होंगे उसके बाद में क्लीवेज फिर गैस्ट्रुला बनेगा गैस्ट्रुलेशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है लार्वा बनना जो कि पेट्रोमाइजोन का लार्वा एमओसी लार्वा कहलाता है। तो लार्वा के बारे में यदि बात करें एमओसी के एग इसके अंदर एच होगा एक हैच होना मतलब जो अंडाणु है निषेचित हो चुका है अब इसके अंदर उसमें हैचिंग होगी अंडे की बाहरी दीवार को तोड़ा जाता है तीन वीक
डेवलपमेंट हो गया, 3 वीक के बाद में हैचिंग की जाती है, उसमें से पारदर्शी लार्वा बाहर निकलता है, इसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट लार्वा बाहर निकलता है। तो इसके अंदर पारदर्शी जो लार्वा इसके अंदर पाया जा रहा है वह ट्रांसपेरेंट लार्वा जब इसके अंदर कह सकते हैं डेवलपमेंट इसके धीरे धीरे होता रहेगा उसमें, उसकी यह त्वचा या इसके अंदर कह सकते हैं बाहरी कवरिंग पहले तो ट्रांसपेरेंट होता है फिर बाद में थिक भी हो सकती है, लेकिन पहले इसके अंदर कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी रूप में पाया जाता है जो कि एग या अंडे से हैचिंग के दौरान बाहर निकलता है। तो जब इसके अंदर यह लार्वा 7 मिलीमीटर का होता है, इसकी लंबाई 7 मिलीमीटर होती है, उस समय यह इसके अंदर नेस्ट या घोंसले में रहता है। नेस्ट या घोंसले में रहता है और जब 15 मिलीमीटर का हो जाता है तो घोंसले को छोड़ देता है, नेस्ट क्या कह सकते हैं, नेस्ट क्वाइट हो जाता है, बाहर निकल जाता है जब इसके अंदर 15 मिलीमीटर या 15 मिलीमीटर का हो जाए। उसके बाद में लार्वा जो है एमोसिड लार्वा जो है 7 का होगा तो नेस्ट घोंसले में रहेगा, 15 का होगा जब इसके अंदर घोंसले को छोड़ देता है और ये लार्वा इसके अंदर निर्माण करता है यू या वी शेप की टनल का। लार्वा स्वयं इसके अंदर कह सकते हैं यू शेप की टनल या बिल का निर्माण करता है जो कि इसके अंदर इसके लार्वा अवस्था जो एमोसिड लार्वा है उसके द्वारा किया जाएगा जब इसके अंदर 15 मिलीमीटर का हो जाएगा या इसके अंदर कह सकते हैं उसको छोड़ देता है। लार्वा अवस्था जो जंतु के शरीर में पाई जाती है, लार्वा अवस्था जो इसके अंदर इसका टाइम हो सकता है 3 से 7 साल, मतलब 3 साल भी इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा अवस्था के रूप में रह सकता है एनिमल। जो लार्वा अवस्था पेट्रोमाइजोन का है वह 3 साल तक भी हो सकता है और 7 मैक्सिमम इसके अंदर जो होता है अधिकतम 7 साल का भी हो सकता है। तो 3 से 7 साल के बीच में इसके लार्वा का इसके अंदर कह सकते हैं टाइम है, तो मतलब 3 साल के लिए इसके अंदर एक बार बना लार्वा अवस्था में ही रहेगा 3 साल तक या 7 साल तक, उसके बाद में उसमें कायंत्रण होगा। अब इसके अंदर इसमें 3 से 7 साल तक लार्वा अवस्था के रूप में पाया जा सकता है, टनल का निर्माण करेगा 15 मिलीमीटर का जब हो जाता है, जब इसके अंदर क्वाइट करता है नेस्ट या इसके अंदर घोंसले को छोड़ देता है। अब इसके अंदर और कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं जैसे लार्वा में, इसके अलावा लार्वा का महत्व ज्यादा है, इंपॉर्टेंस है, महत्व ज्यादा है, क्यों? क्योंकि सिफेलोपॉड जो है, सिफेलोपॉडेटा और जो वर्टिब्रेट होते हैं के बीच यह कशेरुकी की जंतु, इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक तो इसके अंदर कह सकते हैं पुराना होता है, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है, पुराना है साइक्लोस्टोमेटम जैसे इसके अंदर पेट्रोमाइजोन जो है, और उसका जो लार्वा है इसके अंदर क्योंकि सिफेलोकोऑर्डेटा उसके बाद में साइक्लोस्टोमेटा आ जाते हैं, सिफेलोकोऑर्डेट और वर्टिब्रेट जो होता है फिशेज है या इसके अंदर कह सकते हैं एम्फीबिया है रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल और इसके अंदर कह सकते हैं या एम्फीबिया या फिशेज के और सिफेलोकोऑर्डेट के बीच में इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा एक कशेरुकी जंतु पाया जाता है, इसके कारण इसका महत्व ज्यादा होता है। तो कशेरुकी जो साइक्लोस्टोमेटा बीच में आएगा क्योंकि उससे पहले इसके अंदर कह सकते हैं सिफेलोकोऑर्डेट आ जाएंगे, यूरोकोऑर्डेट और इसके अंदर कह सकते हैं उसके बाद में फिशेज या मछलियां आ जाती हैं, तो उसके बीच में एक कशेरुकी जंतु पाया जाता है, इसके कारण इसका महत्व ज्यादा होता है। तो ये तो ये हो गया इसके बारे में। सेकंड इसके अंदर लार्वा के बारे में, इसके अंदर जो माइन्यूट होता है छोटा इसके अंदर जो आपको बताया ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी लार्वा इसके अंदर पाया जाता है, एक तो महत्व हो गया इसका, वयस्क से विभिन्न लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है, वयस्क जो है एडल्ट है उसकी तुलना में इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट पाया जाता है या इसके अंदर कह सकते हैं वह इसके अंदर कह सकते हैं वयस्क और लार्वा इसके अंदर कह सकते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग किन लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है, डिफरेंस
इन फीचर्स। कौन कौन से लक्षणों में इसके अंदर भिन्नता पाई जाती है? लार्वा जो है ब्लाइंड होता है क्योंकि नेत्र कार्य नहीं करते। कौन कौन से लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है? लार्वा जो है ब्लाइंड होता है, अंधा होता है, उसको दिखाई नहीं देता है क्योंकि आईज कार्य नहीं कर रही है। उसके अलावा इसके अंदर सेकंड जो लक्षण है टूथलेस होता है, दांत अनुपस्थित। और थर्ड इसके अंदर होता है पैरासाइट नहीं होता, अपरजीवी, या जिसको कहा जाता है नॉन पैरासाइट। नॉन पैरासाइट या अपरजीवी के रूप में पाया जाता है। अपरजीवी के रूप में पाया जाता है क्योंकि इसके अंदर पेट्रोमाइजोन तो परजीवी है, मछली से ब्लड को सक करने वाला है, या इसको कैसी पैरासाइट कहा जाता है, पूर्ण परजीवी नहीं होता है। लेकिन लार्वा तो नॉन पैरासाइट है, दांत नहीं पाए जाते इसके अंदर, और ब्लाइंड होता है, नेत्र इसके अंदर कार्य नहीं करते। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं वयस्क और लार्वा अवस्था में भिन्नता भी पाई जा सकती है। और कौन कौन से लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है? जैसे और लक्षण इसके अंदर बात करें तो लार्वा में एक फिन पाया जाता है, डॉर्सल फिन जो है, डॉर्सल फिन की संख्या इसके अंदर यहां पर एक होती है जो कि लगातार क्या कंटिन्यू पाया जाता है। जैसे इसके डायग्राम में भी देखेंगे अभी एक ही डॉर्सल फिन होता है, इसके एनिमल की तरह दो डॉर्सल फिन नहीं पाए जाते। लार्वा से जब वयस्क होगा तब दो डॉर्सल फिन बनेंगे, लेकिन एक तो इसके अंदर कह सकते हैं डॉर्सल फिन पाया जाता है, एक कॉडल फिन पाया जाता है। तो डॉर्सल फिन इसके अंदर जो पाया जाता है उसकी संख्या एक नहीं, इसके अंदर कह सकते हैं दो नहीं होकर एक ही होती है जब ये लार्वा अवस्था में पाया जाएगा। उसके अलावा और कौन कौन से लक्षण है जिसमें इसमें डिफरेंस पाया जा सकता है, या इसके अंदर कौन सी संरचना जो है वह लार्वा में ही पाई जाती है? लार्वा की बात करें इसमें ओरल हुड पाया जाता है, इसके स्थान पर बकल फनल के स्थान, क्योंकि जंतु जो होगा उसमें बकल फनल होता है मुंह के। बकल फनल के स्थान पर ओरल हुड, या इसके अंदर कह सकते हैं जिसको मुख इसके अंदर कह सकते हैं, जो भाग होता है जहां पर माउथ पाया जाता है वह संरचना पाई जाएगी जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं बकल फनल नहीं होगा और दांत उसमें नहीं पाए जाते, क्योंकि जैसे आपको बताया टूथलेस होता है लार्वा, इसमें टीथ नहीं पाए जाते। इसके अलावा ये तो एक तो असमानता हो गई जो इसके पैरासाइट पेज पे या आईज इसके नेत्र कार्य नहीं कर रहे हैं इस पेज पर, या दूसरी जो संरचना इसके अंदर कह सकते हैं डॉर्सल फिन एक ही होता है लगातार होता है, इसको पृष्ठ पक्ष भी कहा जाता है, कॉडल फिन एक पाया जाता है, लार्वा जो है उसमें ओरल रूट पाया जाता है, बकल फनल नहीं पाया जाता है। उसके अलावा इसमें वेलम उपस्थित होती है, वेलम उपस्थित जो कि फ्लैप की तरह कार्य करती है, पेशियों की बनी होती है, मसल्स या पेशियों की बनी होती है, फ्लैप की तरह कार्य करती है। जंतु के शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं जो इसमें माउथ या इसके अंदर कह सकते हैं ओरल हुड है उसके अंदर की ओर पाई जाती है, जल की गति को नियंत्रित करती है, जल इसके अंदर जो शरीर में प्रवेश करता है फ्लैप की तरह उसको रोकती है, अंदर जाने देती है। इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं फ्लैप जो होता है वह मसल्स के पेशियों का बना होता है, और इसके अंदर यह फ्लैप की तरह कार्य करके जल की गति को या वाटर करंट जो शरीर में प्रवेश कर रहा है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो वेलम का कार्य क्या हो गया? जल की गति का नियंत्रण, या इसके अंदर कह सकते हैं जो जल है वाटर करंट जो शरीर में प्रवेश कर रही है उसको कंट्रोल किया जाता है, या कह सकते हैं इसके अंदर कंट्रोल वाटर करंट। वेलम इसके अंदर पाई जाती है, एंडोस्टाइल इसके अंदर संरचना इसके अंदर पाई जाएगी लार्वा अवस्था में। उसके अलावा सात जोड़ी गिल्स उपस्थित होते हैं, लार्वा में सात जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जंतु के शरीर में
इसके अलावा जंतु के शरीर में जल जो है माउथ से एंटर करता है, ग्रसनी में जाता है, यह इसको फेरिंग्स कहा जाता है, और इन स्लिट्स के द्वारा बाहर निकाला जाता है। यह कह सकते हैं जल इसके अंदर बाहर मूव करता है, गिल स्लिट के द्वारा एंटर करता है माउथ से, फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग से गिल स्लिट के द्वारा बाहर निकलता है। और इसके अंदर कह सकते हैं माउथ, ये इसके अंदर कह सकते हैं जो जल इसके अंदर एंटर कर रहा है, बाहर निकल रहा है, ये जो क्रिया होती है या ग्रसनी जो है या गिल स्लिट के द्वारा बाहर निकलता है, ये सीलिया के द्वारा नहीं होते, सीलियरी फीडर नहीं होता है, सीलिया के गमन के द्वारा नहीं होता है, ये जो क्रिया होती है वह पेशियों द्वारा होती है, मसल्स या पेशियों के द्वारा क्रिया होगी। उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जल इसके अंदर कह सकते हैं शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। उसके अलावा सात जोड़ी गिल इसके अंदर पाए जाते हैं, वेलम पाई जाती है, जलधारा या वाटर करंट को नियंत्रित करती है। इसके अलावा लीवर पाया जाता है, यकृत, बाइल डक्ट, गोल ब्लैडर, और इसके अंदर नेक्स्ट हो सकता है प्रोनेफ्रिट किडनी। प्रोनेफ्रिट रक्त पाए जाते हैं, प्रोनेफ्रिट रक्त या किडनी इसके अंदर पाई जाती है। तो इसमें एक तो लीवर है, यकृत होता है जो कि बाइल जूस जो कि लीवर में बना है वह जाएगा, गोल ब्लैडर जो कि उसको संचित करता है या जिसे कहा जाता है पित्ताशय, लार्वा में पाया जाता है। प्रोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, सबसे पुरानी जो किडनी होती है या डेवलपमेंट के दौरान जो बनती है सबसे लोअर है वह किडनी इसके अंदर प्रोनेफ्रिक वह पाई जाती है, या इसके अंदर बाइल डक्ट जो होती है, बाइल जूस का जब इसके आंत्र में बाइल को इसका सिक्रीट करवाने के लिए बाइल डक्ट या नलिका पाई जाती है जो कि बाइल जूस का सिक्रीशन करवाती है। लीवर या यकृत इसके अंदर लार्वा में पाया जाता है। हार्ट या हृदय उपस्थित होता है, पेरिकार्डियल कैविटी द्वारा कवर रहता है, पेरिकार्डियल कैविटी जो है उसके द्वारा कवर रहता है, घिरा रहता है हार्ट या हृदय, और पेरिकार्डियल कैविटी जो है वह सीलोम या देहगुहा से जुड़ी होती है। पेरिकार्डियल जो कैविटी है जो कि हार्ट को कवर करती है वह इसके अंदर कैविटी सीलोम या देहगुहा से कनेक्ट होती है, जुड़ी रहती है। इसके अलावा आई है जो नेत्र पाए जाते हैं लेकिन थिक स्किन के द्वारा, मोटी त्वचा द्वारा। देख नहीं पाता। उसके अलावा तो ये इसके अंदर सभी संरचना जो है इसमें लार्वा अवस्था में पाई जाएगी। इसमें यदि कहें तो ओरल लूप पाया जाता है, बकल फनल इसके अंदर कह सकते हैं नहीं पाया जाएगा, एक डॉर्सल फिन पाया जाता है, दो नहीं होते हैं, ओरल लूप के बाद में वेलम पाया जाता है, एंडोस्टाइल पाई जाती है, गिल्स पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर गिल स्लिट के द्वारा जल को बाहर निकालते हैं, फेरिंग्स होती है या लीवर है इसके अंदर, पित्त नलिका होती है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, पित्ताशय है या प्रोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, या हार्ट है जो कि इसमें जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो सीलोम से जुड़ी होती है, नेत्र कार्य करने के योग्य नहीं होते हैं, ब्लाइंड होता है इसके कारण ये एनिमल, या ये परजीवी के रूप में जंतु नहीं पाया जाता है, ये सभी लक्षण लार्वा में पाए जाए। कौन कौन सी संरचना जैसे कहाँ पर पाई जा रही है ये इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा का जो डायग्राम है इसमें कौन सी संरचना कहाँ पर पाई जा रही है उसके बारे में,
सबसे पहले यह जो संरचना है इसके अंदर कह सकते हैं उसको कहा जाता है ऑरल, जो आपको अभी बताया बक्कल फनल इसमें नहीं पाया जाएगा, ऑरल लूप पाया जाता है। यह इसके अंदर इसका माउथ या मुख होगा। उसके अलावा जंतु के शरीर में तंत्रिका रज्जु है, इसको कहा जाता है नर्व कॉर्ड। अंदर की ओर इसके अंदर नोको कॉर्ड या जिसे कहा जाता है ब्रस्ट रज्जु, और नर्व कॉर्ड या जिसे कहा जाता है तंत्रिका रज्जु इसके अंदर पाई जाती है। ये इसके अंदर कह सकते हैं जो संरचना इसमें पाई जा रही है, जैसे आई, ये इसका ईयर है, यहां पर इसके अंदर कह सकते हैं नॉस्ट्रिल पाया जाता है, इसको मीडियन नॉस्ट्रिल भी कहते हैं, बीच में पाया जा रहा है। लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो इसके अंदर या गायत्रण होगा तब हेड के टॉप पर या ऊपर की ओर आ जाता है। इसके अलावा माउथ इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ से जैसे आहार नाल स्टार्ट होती है और यहाँ पर इसका समाप्त होती है, इसको कहा जाता है एनस या गुदा। ये इसके अंदर कह सकते हैं इसका कॉडल फिन, इसमें कॉडल फिन पाई जा रही है। यह जो संरचना है इसको टेल कहा जाता है। बाहर की ओर जैसे इसके अंदर यहाँ पर डॉर्सल फिन है, उसकी संख्या एक होती है जिसको पृष्ठ पक कहा जाता है, जो कि लगातार होता है, इसके अंदर इसकी संख्या एक ही होती है। कॉडल फिन हो गया टेल के चारों ओर, एनएस या गुदा पाया जाता है। इसके अलावा लीवर, हार्ट, गोल ब्लैडर या जिसे पित्ताशय कहते हैं, यकृत, हार्ट या हृदय, इसके अलावा ये जो संरचना है इसको इसके अंदर वेलम कहा जाता है, जो कि वाटर एक फ्लैप की तरह होती है, इसके अंदर बीच में पाई जाती है, जो कि माउथ से इसके अंदर जब इसके अंदर जल प्रवेश करता है उसमें जल को इसके अंदर कह सकते हैं एंट्री को नियंत्रित करती है। अंदर जो पाई जाने वाली संरचना उसको गिल स्लिट कहते हैं। फर्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं जो गिल्स होते हैं सात होते हैं, तो इसके अंदर कह सकते हैं सात जोड़ी, इसके अंदर जो सेवन इसके अंदर कह सकते हैं गिल स्लिट पाए जाएंगे। और ये जो गिल पाए जाते हैं किसकी पाए जाते हैं संरचना को कहा जाता है फेरिंग्स, या जिसे कहा जाता है ग्रसनी। जो ये भाग है इसके अंदर कह सकते हैं ये फेरिंग्स या ग्रसनी है जिसमें इसके अंदर गिल स्लिट पाए जा रहे हैं। और इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो गिल स्लिट है जिसके द्वारा इसके अंदर जल इसके अंदर वापस बाहर निकलता है, फेरिंग से एंटर करेगा और उसमें से इसके अंदर बाहर निकलता है, माउथ से इसके अंदर एंटर करके ग्रसनी से होकर गिल स्लिट के द्वारा बाहर निकलता है। ये इसके अंदर इसमें किडनी या जिसे कहा जाता है ब्रक, ये इसके अंदर इसकी आंत्र या इंटेस्टाइन, आगे वाला जो भाग है इसके अंदर ये वाला इसको इसोफेगस कहते हैं, ग्रसिका। ग्रसनी के बाद में जो भाग आता है उसको ग्रसिका कहा जाता है। तो ये संरचना इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से पाई जाती है। ये इसमें मायोटॉम्स या मसल्स, मायोटॉम, तो जंतु का जो लार्वा है इसके अंदर इसमें हेड और टेल जो पाई जा रही है, कॉडल फिन पाए जाते हैं, डोर्सल फिन होते हैं, लगातार होगा, वेलम पाई जाती है, या जैसे आपको बताया गोल ब्लैडर है, लीवर है, किडनी भी प्रोनेफ्रिक प्रकार की होती है, और उसके अलावा इसके अंदर वेलम पाई जाती है, ऑरल रूट होता है, बकल फनल नहीं पाया जाता है, ब्लाइंड है, आई पाई जा रही है लेकिन इसके अंदर कह सकते हैं वो थिक स्किन के द्वारा कवर है इसलिए जंतु उसके द्वारा नहीं देख सकता। और जंतु के शरीर में जैसे हर्ट पाया जाता है, पेरिकॉर्डियल जैसे कैविटी से कवर रहता है और वह सिलोम से जुड़ी होती है। तो ये इसका जो संरचना है वह एमोसिड लार्वा जो कि पेट्रोमाइजोन का लार्वा होता है, जिसको इसके अंदर कह सकते हैं जो एमोसिड लार्वा है यह लार्वा अवस्था में इसके अंदर 3 से 7 साल तक रह सकता है। लार्वा अवस्था इसके अंदर इसकी 3 to 7 years होती है।
कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल उसके अंदर कह सकते हैं रह सकता है। और 3 से 7 साल के बाद जब लार्वा इसके अंदर कह सकते हैं मेटामॉर्फोसिस होती है, तब इसके अंदर इसमें डिफरेंट प्रकार के या विभिन्न प्रकार के चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे, और ये लार्वा अवस्था जो होती है एडल्ट या वयस्क जंतु पेट्रोमाइजोन में बदलती है, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं इसकी जो संरचना है लार्वा अवस्था में पाई जा रही थी मुख्य रूप से, यदि डायरेक्टली यदि पूछा जाए वेरी शॉर्ट आंसर में, तो उसको कहा जा सकता है इसमें पाया जाने वाला जो इसके अंदर कायंत्रण है या मेटामॉर्फोसिस जो होती है वह प्रोग्रेसिव होती है, पूर्वगामी कायंत्रण होगा, प्रतिगामी जो कि एसिडियन टैडपोल लार्वा में पाया जा रहा था वह नहीं पाया जाता है। उसमें तो इसके अंदर जो एडवांस कैरेक्टर लार्वा में पाए जा रहे थे, लेकिन जब वयस्क बनता है उसमें इसके अंदर कह सकते हैं बहुत इसके अंदर कह सकते हैं कम विकसित लक्षण पाए जाते हैं, तो वो तो इसके अंदर एसिडियन टैडपोल लार्वा था, लेकिन इसमें पूर्वगामी जो संरचना इसमें पाई जा रही है लार्वा अवस्था में भी एडल्ट में भी पाई जाएगी, और इसके अंदर कह सकते हैं जंतु इसके अंदर विकसित होगा, या जिसको कहा जाता है कि इसमें इसके अंदर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी, जो कि इसके अंदर पेट्रोमाइजोन के लार्वा में पाई जाती है, जो इसके अंदर कह सकते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के चेंजेस होंगे, जो कि लार्वा अवस्था से जब इसके अंदर एडल्ट में परिवर्तित होगा। उसके रंग की बात करें या आई की बात करें, हर्ट की बात करें, या जो संरचना इसके अंदर कह सकते हैं बात करें ओरल रूट से और दूसरी संरचना बनेगी जो कि एडल्ट में बकल फनल जैसे उसके अंदर पाई जाती है, तो अलग अलग संरचनाएं जब ये एडल्ट से इसके अंदर कह सकते हैं एडल्ट में परिवर्तित होगा उस दौरान इसके अंदर लार्वा अवस्था से इसके अंदर बनती है, और वह इसके अंदर कह सकते हैं वयस्क जो जंतु होता है और वह